नमस्कार, इन बीसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। इन बीसीएन न्यूज की ओर से महिला दिवस विशेष रूप से मनाया जा रहा है। इस दौरान जिन महिलाओं ने अपने खुद के दम पर एक मुकाम हासिल किया हो, ऐसी महिलाओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आज हमारे साथ शहर की प्रसिद्ध पंचकर्मा डॉक्टर ममता गुप्ता मैडम, जिनके 15 साल से पंचकर्मा का खुद का क्लिनिक है, साथ ही वे बीते 3 सालों से मोदी के मार्केटिंग से भी जुड़ी है। तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू मैम। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपने पंचकर्मा एज अ करियर क्यों चुना? पंचकर्मा मैंने मेरे करियर की जो शुरुआत है वो एक एज अ मेडिकल ऑफिसर स्टार्ट की कलमेश्वर में, जहाँ पर एक बहुत बड़े रीज़न के लिए मैंने जॉब को रिज़ाइन करके पंचकर्मा सेटअप शुरू किया, क्योंकि मैं खुद रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव थी एट द एज ऑफ 25। और उसके बाद जब मैं पंचकर्मा ट्रीटमेंट से विद इन अ मंथ मेरा जो सीरो पॉजिटिव था वो सीरो निगेटिव में आ गया एंड आई गेट रिकवर्ड, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं पंचकर्मा यूनिट डालकर मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को हेल्प करूँगी जो अननेसेसरी एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं। मैम, शुरुआत में किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? क्योंकि पंचकर्मा के लिए लोग अवेयर नहीं है, हमारे देश में ये अवेयरनेस नहीं है कि पंचकर्मा ट्रीटमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है। सो इट वाज अ लॉन्ग वेटिंग पीरियड, मुझे बहुत लंबे समय एक ऐसा ओपीडी चलाना पड़ा जिसके खर्चे भी नहीं निकलते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को रिजल्ट आते गए तो दूर दूर से लोग आने लगे और फिर इसमें मुझे सफलता मिली। लेकिन शुरुआत का जो समय था वो बहुत चैलेंजिंग था और इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैम, आपने घर और ऑफिस दोनों कैसे तालमेल बिठाया आपने? किस तरीके से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या क्या चीज़ें रहीं? हाँ, एक महिला होने के नाते हर किसी को ये चैलेंज ज़रूर आता है कि जब आपका करियर का एक बहुत एक्साइटिंग सा फेज़ होता है उसी समय आपका फैमिली भी एक्सपांड हो रहा होता है। सो मैंने भी जब करियर की शुरुआत की तो मेरा जो बेटा था उसको मैं लेकर जाती थी साथ में क्लिनिक, और टेबल पर इधर मैं पेशेंट देख रही हूँ जिसमें ट्यूबरकुलोसिस के तक पेशेंट्स होते थे, और उस समय मेरा बेटा साइड में सोया हुआ रहता था। साथ में मैं लेकर उसको ट्रैवल भी करती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे लगता है महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर होती है और ये सब चुनौतियों को का सामना कर सकती है। मैम, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को पंचकर्मा का भी जागरूक नहीं है, तो मैम क्या है पंचकर्मा, क्या चीज़ें हैं इसमें? जी, पंचकर्मा एक बॉडी का सर्विसिंग ही होता है। जैसे आप देखिए समय समय पर अपने गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं ताकि उसका एवरेज आपको अच्छा मिले और इंजन अच्छे से काम करे, तो आपका शरीर भी जो है एक समय के साथ बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड बहुत सारे टॉक्सिन जो आपके अंदर जाते हैं, हार्मफुल केमिकल्स है, पॉल्यूशन है, तो आपके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन इकट्ठा होते हैं। तो उस गाड़ी की, हमारे शरीर की सर्विसिंग भी समय समय पर करना बहुत ज़रूरी है, पंचकर्मा इसमें बहुत हेल्प करता है। मैम, महिलाओं के लिए क्या विशेष है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो बहुत सारी जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं उन लोग को PCOD वगैरह रहता है, और जो महिला 50 के ऊपर मेनोपॉज की बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, तो हम इससे हम पंचकर्मा से कैसे निजात ले सकते हैं? जी, खास आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि देखिए आजकल PCOD बहुत नॉर्मल है, यानी 10 में से 8 ऐसी लड़की गर्ल्स होती है जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल और जो कुछ हम फूड खा रहे हैं। तो इसमें पंचकर्मा का रोल बहुत पंचकर्मा एंड एज वेल एज न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन, अगर ये दोनों चीज़ें हम बैलेंस करते हैं तो वो पीरियड्स रेगुलर आते हैं, PCOD जैसे डिसीज से हम छुटकारा पा सकते हैं, और जो IVF सेंटर्स और बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स हो जाती है उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स दिए जाते हैं एलोपैथी में, दैट इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन, क्योंकि ये हार्मोन्स हमारे अंदर नेचुरली सिक्रीट होने चाहिए, और ये करने के लिए पंचकर्मा डेफिनेटली हेल्प करता है। मैम, इसी के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए आपकी और क्या किया जा रहा है आपकी तरफ से? जी, एक्चुअली जब मैंने मेरा क्लिनिक स्टार्ट किया और क्लिनिक बहुत स्टेबल भी होने लगा और बहुत दूर दूर से पेशेंट भी आने लगे एंड आई वाज हैप्पी, लेकिन उस समय एक मन में कहीं ना कहीं लगता था कि मैं अपनी लाइफ बना रही हूँ अगर मैं पंचकर्मा कर रही हूँ, या आई एम मेकिंग माई लाइफ, लेकिन मैं समाज के लिए या महिलाओं के लिए मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। थैंक्स टू मोदी केयर, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिससे मैं जुड़ी, और लास्ट 3 ईयर्स से हम इस मिशन पर है कि मिशन हर घर मोदी केयर, हर घर आज़ादी। सो इसके ज़रिए एक 35,000 लोगों का ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, आई थिंक 60-70% महिलाएं हैं इस हमारे ग्रुप में,
और हम महिलाओं को आर्थिक आज़ादी दिलाने में हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमने विदर्भा में ये काम शुरू किया और बहुत शॉर्ट टाइम में, विद इन 3 ईयर्स, हमारे साथ इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा है जिसमें सारे सेक्टर से महिलाएं और स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग हैं। मैम, जैसे आपने मोदी केयर के बारे में आपने बताया, इसमें महिलाओं के लिए क्या विशेष है? मोदी केयर में 2 चीज़ें महिलाओं के लिए पर्टिकुलर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सैनिटरी पैड्स, जो महिलाएं सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रही है, जो मार्केट में अवेलेबल लीडिंग ब्रांड्स है, उसका हम अवेयरनेस लाते हैं कि उसमें सस्ता बनाने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइक डाइक्सिन, इट इज़ हाईली कार्सिनोजेनिक केमिकल। सो आप अगर इन पैड्स का यूज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म पे सर्वाइकल कैंसर, PCOD ऐसी बीमारियां हो रही है। उसका हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सेशन करते हैं। आप ज़रूर से इसको सब लोग अटेंड करें, जो भी जिसके भी ज़रिए आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर हम ही एक सेशन कभी लेंगे। ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड पार्ट है न्यूट्रिशन। महिलाएं कभी ये नोटिस नहीं करती है कि महिलाओं का हीमोग्लोबिन क्यों कम होता है, बिकॉज दे ब्लीड एवरी मंथ। तो उसके लिए आप उस न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। मोदी केयर में महिलाओं के लिए आयरन, कैल्शियम, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी है, अगर ये आप डाइट में शामिल नहीं करते हैं, स्पेशली आफ्टर 30s and 40s, तो धीरे धीरे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका, ऐसी बीमारियाँ होती हैं। मोदी केयर इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड, जिसमें बहुत रिजनेबल प्राइजेस में आपको बेस्ट न्यूट्रिशन मिलता है। मैं सारे महिलाओं को ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि आप एक फैमिली के न्यू होते हैं तो आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा सा न्यूट्रिशन आप मोदी केयर में ज़रूर लें, और मोदी केयर के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आपको बहुत रिजनेबल रेट में है। आपको अगर फ़ायदा मिलता है और आप सजेस्ट करते हो, तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप एक बहुत अच्छा आर्थिक आज़ादी भी पा सकते हैं। मैम, चूँकि मैम महिला दिवस है, ऐसे में हम उन महिलाओं को जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? महिलाओं को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी मेरी फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने डॉक्टर जैसे डिग्री ली है, बहुत एकेडमिक्स में वो टॉप करती है, लेकिन जब शादी हो जाती है बहुत सारी महिलाएं करियर को छोड़ देती हैं, और फिर उसका पछतावा तब होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होने लगती है, तो महिलाएं डिप्रेशन की ओर जाती है। वो जो एक बहुत एक्टिव सा माइंड है वो कहीं ना कहीं डिप्रेस होने लगता है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को बैलेंस करते हुए अगर महिलाएं सही समय पर करियर को भी करते रहें, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि आप इसको फ्लेक्सिबल आवर्स में करते हैं, इसके लिए आपको 9 to 6 जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके एक्स्ट्रा टाइम में इस इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं और बहुत अच्छी आर्थिक आज़ादी पा सकते हैं। इसलिए मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ, आप अपना करियर बर्बाद मत कीजिए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ पंचकर्मा डॉक्टर मिसेस ममता गुप्ता। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई हस्ती के साथ, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।